नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना हिमाचल और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। हिमाचल कांग्रेस को लेकर दिल्ली में बड़ी बैठक का आयोजन। कांग्रेस मुख्यालय में एचपी की बैठक जारी। लोकसभा चुनाव समेत कई मसलों पर इस दौरान चर्चा की जा रही है। तो वहीं बैठक में हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी शामिल हुए हैं। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह समेत कई वरिष्ठ नेता भी इस बैठक में मौजूद हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी बैठक में शामिल हुए हैं। इसके अलावा राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल भी बैठक में मौजूद हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी दिल्ली से आपको बता रही, जहां कांग्रेस मुख्यालय में हिमाचल प्रदेश की बैठक जारी है। तो वहीं आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव समेत कई मसलों पर इस बैठक में चर्चा की जा रही है। जहां बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मौजूद है, तो साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह समेत कई वरिष्ठ नेता भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी दिल्ली से आपको बता रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। स्पर्श, कांग्रेस मुख्यालय में बैठक जारी है, फिलहाल क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल इस वक्त बड़ी बैठक कांग्रेस मुख्यालय में चल रही है हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद है, राहुल गांधी मौजूद है, केसी वेणुगोपाल मौजूद है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह समेत तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता मौजूद जो है देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और सीधे तौर पर बात करते हैं तो लोकसभा चुनाव के संदर्भ में ये बड़ी बैठक जो है इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय में देखने को मिलती हुई जो है नजर आ रही है। इसके साथ साथ संगठन में किस तरीके के बदलाव देखने को मिलते हुए नजर आ सकते हैं, या फिर कहें कि चूंकि हिमाचल प्रदेश में सरकार भी है कांग्रेस की, तो ऐसे में सत्ता और संगठन के बीच में किस तरीके का समन्वय देखने को मिलता हुआ नजर आता है। तमाम नेता जो है एक दूसरे के साथ में ठीक से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तमाम चीजों का फीडबैक जो है आज हिमाचल कांग्रेस के संदर्भ में कांग्रेस आलाकमान लेता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल स्पर्श, और हिमाचल के वरिष्ठ नेता इस बैठक में शामिल हुए हैं, राहुल गांधी इस बैठक में मौजूद हैं। फिलहाल कब तक ये बैठक जारी रहने वाली है, कोई स्पष्ट जानकारी अब तक सामने आ पाई हो? देखिए, लगातार बात करें तो कांग्रेस मुख्यालय में बैठकों का दौर देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में अभी ये बैठक जो है फिलहाल कुछ देर पहले ही शुरू होती हुई नजर आई है, लगभग डेढ़ दो घंटे की बात करें तो ये बैठक देखने को मिलती हुई नजर आ सकती है। और खासतौर पर लोकसभा चुनाव के संदर्भ में बैठक काफी महत्वपूर्ण है, क्या सीट शेयरिंग देखने को मिलेगी या फिर किस तरीके से टिकट वितरण हो सकता है, ये तमाम चीजें जो है महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद स्पर्श आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां कांग्रेस मुख्यालय में हिमाचल कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक जारी है, और ऐसे में इस बैठक में प्रदेश के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं, और साथ ही साथ मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी इस बैठक में शामिल। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। नए साल को लेकर 25% बढ़ी वाहनों की संख्या, 1,60,000 वाहनों के दौरान आवाजाही हुई है। 60,000 से ज्यादा पर्यटकों के वाहन प्रदेश में पहुंच रहे हैं। 87 जगहों पर 260 कैमरों से निगरानी की जा रही है। पुलिस का 1 मिनट ट्रैफिक प्लान भी कारगर साबित हो रहा है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी शिमला से आपको बता रही, जहां नए साल को लेकर 25% वाहनों की संख्या बढ़ी, और ऐसे में प्रशासन भी सीसीटीवी के जरिए नजर बनाए हुए है। देखिए, कैपिटल और शिमला डिस्ट्रिक्ट में हम जो अपनी प्रिपरेशंस करते हैं वो सीजन पर आधारित होती हैं। डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स के हमारे डिस्ट्रिक्ट में कैपिटल में डिफरेंट चैलेंजेस रहते हैं, और इसी के दृष्टिगत जैसे कि आपने पहले समर सीजन था, फिर उसके बाद बड़ा ही डिफिकल्ट और चैलेंजिंग हमारा जो था वो रेनी सीजन रहा, और अब विंटर सीजन है। तो विंटर सीजन में हमने ट्रैफिक को सुचारू करने के लिए और जो हमारे आमजन टूरिस्ट सबकी सुरक्षा के लिए एक प्रॉपर एडिक्वेट प्लान जो है वो बनाया है। अभी क्रिसमस और इस दौरान पिछले 10 दिनों की मैं आपसे बात करूं तो शिमला में हमारे एक ही बैरियर से, शोगी बैरियर से लगभग 1,60,000 गाड़ियों का आवागमन हुआ है, और उसमें 55,000 से 60,000 गाड़ियां जो हैं वो टूरिस्ट व्हीकल्स रही हैं, और ये नंबर इंक्रीज हो रहा है। इस दौरान जो हमारे जो ट्रैफिक संचालन को लेकर के हमने 1 मिनट ट्रैफिक प्लान को एक्टिवेट किया है, और काफ़ी हद तक हम उसमें सफल भी हुए हैं। उस एक्टिवेशन की वजह से हमारे शहर की जो रोज़मर्रा की जिंदगी है वो प्रॉपरली सुचारू रूप से चल रही है, आप सबने विटनेस किया है,
और इसके अतिरिक्त 100% टूरिस्ट जो है वो शिमला को टच कर रहा है। सो ये एक सक्सेसफुल मैं एग्जीक्यूशन और प्रेपरेशन ऑफ पिक प्लान की आपसे बात कर सकता हूँ। पुलिस का एक मिनट ट्रैफिक प्लान भी इस दौरान सक्सेसफुल साबित हो रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रॉबिन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। रॉबिन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, नए साल और क्रिसमस को लेकर जहां हजारों की संख्या में पर्यटक शिमला का रुख कर रहे हैं और ऐसे में प्रशासन की भी चाक चौबंद व्यवस्था देखने को मिल रही है, फिलहाल क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए क्रिसमस आने के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में और खासतौर पर बात शिमला की करें तो यहाँ पर लगातार जो है पर्यटकों की आमद वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। जैसे पुलिस विभाग की ओर से भी अभी जानकारी दी गई कि पिछले 10 दिनों में शोगी बेगर से जो है 1,60,000 के करीब जो है वो गाड़ियां शिमला में एंटर हुई है और खासतौर पर इस पर जो एसपी जो शिमला है उनकी ओर से बताया गया है कि इसमें 55 से जो 60,000 गाड़ियां हैं वो टूरिस्ट व्हीकल्स थे, तो निश्चित तौर पर भारी मात्रा में जो है वो पर्यटक हिमाचल प्रदेश की ओर और खासतौर पर शिमला की ओर रुख कर रहा है। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने यही है कि किस तरह से ट्रैफिक व्यवस्था हो या कानून व्यवस्था हो, किस तरह से दोनों को जो है वो मेंटेन किया जाए शहर के अंदर खासतौर पर। तो इसको लेकर जो पुलिस प्रशासन है उसकी ओर से शिमला को भी 5 अलग अलग भागों में विभक्त किया गया है प्रशासन की दृष्टि से, और इसमें जो है अतिरिक्त जो पुलिस बल है वो भी तैनात किया गया है ताकि किसी भी प्रकार की जो अनहोनी है उसे होने से रोका जा सके। और इसके अलावा तमाम क्षेत्र में खासतौर पर सिटी के अंदर देखा जाए तो अलग अलग जगहों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। कुल 87 ऐसी जगहें चिन्हित की गई है जहां पर सीसीटीवी कैमरों की मदद से भी जो है नजर रखी जा रही है किसी भी प्रकार के प्रशासनिक तौर पर कानून व्यवस्था को नजर में रखते हुए। इसके अलावा विभिन्न मामलों को अगर देखा जाए, क्योंकि सबसे बड़ी जो समस्या शिमला में इस वक्त है वो ट्रैफिक की है, क्योंकि कई सारे ऐसे चौक पॉइंट्स हैं जहां पर जो गाड़ियों की जब आवाजाही बढ़ती है तो इन पॉइंट्स पर जाम लगना स्वाभाविक हो जाता है। बात विक्ट्री टनल की करें या फिर 103 के आसपास की जो जगहें हैं, यहाँ पर कम जो है सड़क उतनी चौड़ी नहीं है, ऐसे में जब गाड़ियों की आवाजाही बढ़ती है तो इन क्षेत्रों पर निश्चित तौर पर चौक पॉइंट्स ये बन जाते हैं। तो ऐसे में जो शिमला पुलिस लगातार ये दावा कर रही है कि उनकी ओर से जो 1 मिनट ट्रैफिक प्लान है ये लागू किया गया है ताकि इन चौक पॉइंट्स पर जो है जो पूरा वाहन है उनको कंट्रोल तरीके से शहर के अंदर छोड़ा जा सके ताकि इन चौक पॉइंट्स पर ट्रैफिक से जो है जाम से जो है निजात मिल सके। तो निश्चित तौर पर क्योंकि अभी न्यू ईयर आना बाकी है, ऐसे में मौसम विभाग की ओर से भी कहा गया है कि आने वाले दिनों में मौसम भी खराब हो सकता है, ऐसे में उम्मीद यही है कि आने वाले दिनों में पर्यटकों की आमद और बढ़ सकती है क्योंकि सबसे ज्यादा पर्यटकों को इंतजार। बिल्कुल रॉबिन, और देखिए जिस तरीके से नए साल का मौका, ऐसे में हजारों की संख्या में जो सैलानी है जो पर्यटक है वो हिमाचल प्रदेश का रुख करते हैं और ऐसे में प्रशासन की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक की ही देखने को मिलती है। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं नालागढ़ में क्रेशर के रास्ते को लेकर मौजूदा विधायक और पूर्व विधायक के परिवार और समर्थकों में विवाद चल रहा है। विवाद इतना बढ़ गया है कि दोनों ही नेताओं के समर्थकों में खूनी संघर्ष हो गया। इस दौरान खूब डंडे पत्थर और ईंटों से हमला किया गया जिसमें महिलाओं समेत कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तो वहीं मारपीट की सूचना के 2 घंटे बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची जिसके बाद पुलिस ने काफी मशक्कत से दोनों गुटों को शांत करवाया, साथ ही दोनों पक्षों के बयान पर शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी। सर, आज सुबह मैं जा रहा था तो एक रास्ता जिसका विवाद 1 महीने से चल रहा है, जो कि श्यामलाट अलॉटेबल पूल से वहाँ से गुजर के जाता है, जिससे हम पिछले 30-35 सालों से जिसका हम प्रयोग कर रहे थे, क्योंकि हमारे वो रास्ता हमारी ज़मीन जो कोटला कला में पड़ती है 8 बीघा के करीब, तो उस ज़मीन के लिए वो रास्ता जाता है और पंजाब में हमारी वहीं बॉर्डर लगता है, दूसरी तरफ हमारी 180 बीघा के लगभग ज़मीन दूसरी तरफ है, तो हम वहाँ पे अपना जिम्मेदारी का काम करते हैं। हमने वहाँ कनक बीज रखी है और जो सरसों होती है वो बीज रखी है और पॉपुलर के पेड़ लगा रखे हैं। तो आज सुबह हम वहाँ से जो जा रहे थे तो हमारे पर वहाँ के लोगों ने, जिनमें मौजूदा विधायक KL ठाकर के
भाई और उनके जो मुलाजमान उनके क्रशरों पे लगे हुए हैं, उन्होंने और उनके परिवारों ने, उनकी घरवालियों ने हमारे पे हमला किया। मंडी के दूसरे सबसे बड़े स्वास्थ्य संस्थान जोनल अस्पताल में नई लिफ्ट की सुविधा मिलने जा रही है। करीब 20 लाख की लागत से इस लिफ्ट को यहां लगाया जाएगा। लिफ्ट के लिए प्रदेश सरकार से मंजूरी मिलने के बाद सामान भी पहुंच चुका है। आपको बता दें कि सीएमओ कार्यालय परिसर में ओपीडी के अलावा लैब और अन्य प्रशासनिक कार्यालय भी है। ऐसे में यहां लिफ्ट लगने से अधिकारियों और कर्मचारियों को इसकी सुविधा मिलेगी, तो वहीं दिव्यांगों और बुजुर्गों का भी लिफ्ट से आना जाना आसान हो जाएगा। लिफ्ट का काम तो अभी हमने देखा कि हमारे पास था, इसका बजट भी था, स्पेस भी था इसमें लगा होगा। अब पुरानी लिफ्ट लगी थी तो इसमें कोई मालूम नहीं है, लेकिन हमने फिर इसमें कार्रवाई करके अब जो कंपनी है उसने सामान वगैरह यहाँ छोड़ दिया, और हम थोड़ी सी स्पेस थी यहाँ खाली करने पड़े थे, स्पेस भी हमने खाली करा दिया। अब जैसे ECG यहाँ होती थी पहले, ECG को भी शिफ्ट कर दिया, बाकी कुछ एक रिकॉर्ड रखा था जो हमने हटा दिया। अब जो स्पेस है, स्पेस हमने इनको हैंड ओवर कर दिया हुआ, और बहुत जल्दी जो है वो लोग जो आजकल छुट्टी वगैरह गए हैं तो थोड़ी 2-4 दिन के बाद इसका काम शुरू हो जाएगा। प्रदेश कांग्रेस सरकार के कार्यकाल का 1 साल पूरा हो चुका है, जिसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस सरकार का अब तक का कार्यकाल पूरी तरह निराशाजनक रहा है। प्रदेश की जनता को झूठी गारंटियां देकर कांग्रेस सत्ता में आई है। सरकार ने 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी देने का वायदा किया था, वो पूरा करना तो दूर, उल्टा 10,000 कर्मचारियों को ही नौकरी से निकाल दिया है। प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के 1 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, और मैं ये कह सकता हूं कि आज तक के इतिहास में अगर किसी सरकार का सबसे ज्यादा निराशाजनक कार्यकाल रहा तो वर्तमान कांग्रेस सरकार का रहा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के बाद जो जन विरोधी निर्णय लिए, उसके कारण उनकी छवि लोगों के बीच में काम करने वाली नहीं, काम रोकने वाली सरकार की बन गई है। लगभग 1,500 संस्थान हिमाचल प्रदेश में जो चले हुए थे उनको बंद कर दिया गया, और जो झूठी गारंटी दे करके सत्ता हासिल की थी उनमें से एक भी गारंटी अभी तक पूरी हुई नहीं। वादा उन्होंने किया था कि 1500 रुपये हर महिला को जनवरी के महीने से हम देना शुरू कर देंगे, सरकार बनने के बाद कैबिनेट की पहली बैठक में निर्णय करेंगे। 1 साल बीत गया, एक महिला को 1500 रुपये मिला नहीं। 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी देने की बात कही थी, और 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी देने की बात तो दूर की रही, उल्टा 10,000 से ज्यादा आउटसोर्स पे हमारे कर्मचारी, जो छोटे छोटे कर्मचारी बेचारे, उनको नौकरी से निकाल दिया, 8 महीने से उनकी सैलरी नहीं मिली। चलिए, अपना हिमाचल में फिलहाल के लिए बस इतना ही।